हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, दिस इज गोइंग टू बी एन ओवरसाइज टी शर्ट हॉल। सो आई विल बी शोइंग यू 10 ओवरसाइज टी शर्ट और रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो एक टी शर्ट है दैट इज समथिंग अराउंड 168 एंड इट गोज अप टू 800। ज़्यादातर टी शर्ट 600 से अंदर की है, सिर्फ एक ही टी शर्ट है जो 800 रुपये की है। सो टोटल 10 आइटम होने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो में से अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर पसंद आए। सो विदाउट एनी फर्दर do let's jump into this video. So jumping on to the first oversized t-shirt, it is from the brand Roadster and it is the lifestyle co striped long line oversized t-shirt. और ये बहुत ही सुंदर से पिंक एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में है। मुझे इस टी शर्ट का सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आया था वो था इसका कलर कॉम्बिनेशन। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल मटेरियल है, प्योर कॉटन है, इट्स लाइक सुटेबल एंड अमेजिंग फॉर समर्स। और इसमें एक चीज़ थी कि आई बॉट इट इन द साइज स्मॉल बिकॉज एक्स्ट्रा स्मॉल अवेलेबल नहीं था। तो बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप मेरी तरह थोड़े से स्लिम एंड ट्रिम हो तो गो फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। ये मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा ही ओवर साइज हो रही थी, तो मैं इसको एक्सचेंज कराऊंगी। दिस इज इन द साइज स्मॉल, आई वुड गेट द एक्स्ट्रा स्मॉल। अदरवाइज दिस कलर कॉम्बिनेशन इज वॉज लुकिंग सो नाइस ऑन मी। आप इसको शॉर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, आप इसको जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, इट इज लाइक परफेक्ट फॉर समर्स। ओके, सो जो नेक्स्ट आइटम है दिस इज फ्रॉम द ब्रांड लुलू एंड स्काई और दिस इज दिस एक्सटेंडेड स्लीव्स बॉक्सी टी शर्ट और ये मैंने अभी पहन रखी है। सो टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे को ये ऑर्डर रिसीव हुआ मैंने खोल के देखा, आई वॉज रियली लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इसके लिए मैंने अच्छा खासा अमाउंट पे किया था और जब मैंने इसको देखा तो बहुत ही ऐसे झिन्नी सा मटेरियल था, कुछ था ही नहीं। इट वॉज वेरी थिन और बहुत ही नॉर्मल सी ब्लैक, एक तरीके से स्लीवलेस टी शर्ट लग रही थी मुझे। बट व्हेन आई वोर इट माय ओपिनियन चेंज्ड। पहले मैंने सोचा था मैं इसको रिटर्न कर दूंगी, पर पहनने के बाद ये इतना ही ज़्यादा क्लासी और सुंदर लग रही थी, आप देख ही सकते होगे वीडियो में, कि मैं इसको रिटर्न ही नहीं कर पाई। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। बट एक चीज़ और, इसका मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी पतला मटेरियल है एंड कॉटन भी नहीं है, इट इज़ प्योर पॉलिएस्टर। तो समर्स में आई डोंट नो ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, बट लुक वाइज इट्स 10/10। मैंने इसको लिया था इन दी साइज मीडियम एंड आई पेड ₹576 फॉर दिस, विच इज़ लाइक एक्सपेंसिव। नेक्स्ट टी शर्ट है, इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड क्लैफूटिस, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है तो मैं स्क्रीन पे नाम दे दूंगी। इट इज़ वी नेक ड्रॉप शोल्डर स्लीव्स टी शर्ट, बट इन्होंने ड्रॉप शोल्डर लिख रखा है बट इट वॉज फुल स्लीव, तो आई डोंट नो ये ड्रॉप स्लीव कैसे हुआ, ठीक है। बट ये फुल स्लीव टी शर्ट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन एंड डिज़ाइन की, तो कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वाइट एंड ग्रीन गो वेरी वेल टुगेदर। इस पर ग्रीन कलर का पूरा बॉर्डर दिया गया था और ये पहनने पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। बट आई वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड ऑन द मटेरियल साइड, इसका मटेरियल मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, छूने पर थोड़ा सा चीप लग रहा था, बट लुक वाइज इट वॉज 10/10, मटेरियल कुड हैव been better, तो काफी अच्छा रहा। मैंने इसको लिया था इन दी साइज एम एंड आई पेड ₹372 फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट आइटम की बात करें तो नेक्स्ट आइटम वॉज वन ऑफ माई फेवरेट आइटम इन दिस हॉल, तो इट इज फ्रॉम दी ब्रांड बेवकूफ वुमेन कैमो प्रिंटेड ओवर साइज टी शर्ट और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर टी शर्ट है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, दिस इज इट, तो ये बहुत ही सुंदर से कलर कॉम्बिनेशन में है, इट इज़ इन दिस वाइट एंड पिंक कलर और इस पर बहुत ही प्यारा सा ऐसा टाइपोग्राफी, आई थिंक इसको बोलते हैं, बेसिकली मैं तो इसको काउ प्रिंट बोलूँगी, ब्लैक एंड वाइट नहीं है फिर भी, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर टी शर्ट है और इसका मटेरियल इज ऑल्सो वेरी नाइस, लाइक वेरी 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 नाइस, प्योर कॉटन में है और इतनी ज़्यादा सुपर डुपर कम्फर्टेबल है, इतना ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रही है, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस टी शर्ट। आई थिंक ये पिंक कलर नहीं है, दिस इज लेवेंडर, वाइट एंड लेवेंडर, मतलब ये ज्यादा मतलब लेवेंडर की तरफ है, पिंकिश थोड़ा सा कम। मैंने इसको लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में एंड आई पेड ₹559 फॉर दिस और ये साइज मुझे परफेक्टली फिट हुआ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हो कि मैंने अपने लिप्स पे क्या लगा रखा है, सो टुडे आई अप्लाइड दिस लिपस्टिक लिप विप, आई फॉरगॉट ये कौन से ब्रांड से थी, बट दिस इज लिप विप इन द शेड कफ, सो इफ यू वॉन्ट टू चेक दिस आउट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टी शर्ट, ये टी शर्ट भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी इस हॉल में से, सो इट इज फ्रॉम द ब्रांड डिलिंजर एंड इट इज विमेन रेड एंड बेज टाइपोग्राफी प्रिंटेड प्योर कॉटन लूज टी शर्ट एंड आई लाइक दिस टी शर्ट सो मच। ये बहुत ही ज्यादा मतलब सुंदर और अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन है फॉर समर्स। वेट, लेट मी शो इट टू यू, मैं सारी टी शर्ट ट्राई करने के बाद उल्टा पुल्टा कहीं भी फेंक देती हूँ एकदम।
कोई सेंस ही नहीं है मुझमें. ओके सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टी शर्ट एंड इट इज सो प्रेटी. ये हल्का सा ऐसे वो वाला मतलब रेड लग रहा है, वो चटक लाल वाला, पर ये चटक लाल वाला रेड नहीं है, दिस इज मरून. हल्का सा ब्लैक मिक्स कर दो वो वैसा है. पता नहीं कैमरे पे ऐसा क्यों दिख रहा है, जब मैं ट्राई ऑन कर रही थी तब भी ये कैमरे पे ऐसे दिख रहा था. ठीक है, तो रेड एंड व्हाइट गो वेरी वेल टुगेदर. और इस टी शर्ट का मटेरियल भी काफी अच्छा है, प्योर कॉटन में टी शर्ट है, 3/4 स्लीव्स हैं. अच्छा, वन टिप, वन स्टाइलिंग टिप, जब भी आप कभी कोई टी शर्ट चूज करो ना, मेक श्योर कि उसकी जो स्लीव्स है ना वो आपके एल्बो तक आ रही हो. जो टी शर्ट जिनकी स्लीव्स यहाँ तक आती है या फिर ऐसे थोड़ी सी होती है ना, तो डोंट गो फॉर दोस टी शर्ट, वो इतना अच्छा लुक नहीं देती हैं. मतलब अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग स्लीव्स ऐसे ड्रॉप शोल्डर वाली टी शर्ट चूज करोगे तो आप थोड़े से वेल पुट टुगेदर लगोगे. सो दैट वॉज दिस स्टाइलिंग टिप. कमिंग बैक टू दिस टी शर्ट, इट वॉज सुपर कंफर्टेबल, अप्रोप्रिएट फॉर समर्स एंड आई लाइक इट सो मच. मैंने इसको लिया था इन दी साइज एक्स्ट्रा स्मॉल एंड आई पे ₹508 फॉर दिस, और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मुझे परफेक्टली फिट हुआ. और जितनी भी टी शर्ट के साथ मैंने जो जो बॉटम वेयर स्टाइल किया है, वेदर बी जीन्स और एनी टाइप ऑफ डेनिम शॉर्ट्स और पैंट शॉर्ट्स, आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज दिस टी शर्ट. नेक्स्ट आइटम की बात करें सो इट इज फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर, द लाइफ स्टाइल कोस्ट स्ट्राइप लॉन्ग लाइन ओवर साइज टी शर्ट. तो ये टी शर्ट बिल्कुल सेम है जो मैंने इससे पहले एक और टी शर्ट दिखाई थी, ये वाली ग्रीन एंड लेवेंडर कलर में. इट इज द सेम मटेरियल, सेम स्टाइल, जस्ट द कलर कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट. इट इज इन द ब्लू एंड पर्पल कलर कॉम्बिनेशन एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस. मेरे को ये दोनों कलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे इस टाइप की टी शर्ट में, तो मैंने दोनों ही ऑर्डर किए थे एंड इट वॉज लुकिंग सुपर नाइस, यू कैन सी इन द वीडियो. इसको भी मैंने लिया था इन दी साइज स्मॉल एंड आई पेड ₹351 फॉर दिस, बट आई वुड रिकमेंड गो फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज. दिस वॉज लिटिल बिट बिगर इन साइज फॉर मी, सो मैं इसको एक्सचेंज करा रही हूँ. ओके, नेक्स्ट आइटम की बात करें तो देखो, अगर हम ओवरसाइज टी शर्ट ले रहे हैं और मैं मेन सेक्शन से कुछ ना उठाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो फाइनली आई एंटर्ड इन टू द मेन सेक्शन ऑफ मिंत्रा, और मैंने वहां से दो टी शर्ट्स उठाई फ्रॉम द सेम ब्रांड बट इन डिफरेंट कलर. सो इट इज फ्रॉम द ब्रांड द सोल्ड स्टोर एंड इट इज सॉलिड सुपर हीरो रेड ओवरसाइज टी शर्ट एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. दिस इज इन द सेज ग्रीन कलर, अनदर वन आई पिक्ड इन द मरून कलर, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है. मतलब बहुत 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 ज्यादा प्यारी है. इसका मटेरियल इज सो गुड, इट इज 100% कॉटन, और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया. वेरी ब्रीदेबल फैब्रिक, अप्रोप्रिएट फॉर समर. और सबसे अच्छी बात थी कि यही सेम टी शर्ट इतने ज्यादा कलर वेराइटीज में अवेलेबल थी कि मेरा मन कर रहा था मैं सब में से एक एक ऑर्डर कर लूँ, पर फॉर नाउ आई ऑर्डर दिस सेज ग्रीन वन एंड द मरून वन, बोथ वर लुकिंग फैब. तो मैंने इनको लिया था इन दी साइज एक्स्ट्रा स्मॉल एंड आई वेड ₹599 फॉर दिस. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइटम इज फ्रॉम द ब्रांड H&M. इट इज प्योर कॉटन ओवरसाइज प्रिंटेड टी शर्ट, और ये बहुत ही प्यारे से ऑफ वाइट कलर में है, और इस पे ना मिनी माउस बना हुआ है हल्का सा ऐसे शाइनी से रबर जैसे मटेरियल में आगे, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है. ऑल्दो आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द साइज पॉइंट ऑफ व्यू, आई ऑर्डर्ड इन द स्मॉल साइज बट इट वॉज टू बिग फॉर मी. तो मुझे ऐसा लगा कि साइज थोड़ा ज्यादा ही ओवर साइज हो गई, तो आई हैड टू रिटर्न दिस आइटम. बट अगर ये थोड़ा साइज अच्छा होता तो ये सुपर डुपर कंफर्टेबल था, प्योर कॉटन मटेरियल था, लाइक परफेक्ट फॉर समर्स. एंड इफ यू कैन गेट इट इन योर साइज देन यू कैन डेफिनेटली चेकआउट दिस टी शर्ट. मैंने इसको लिया था इन दी साइज स्मॉल एंड आई पेड ₹848 फॉर दिस. मैंने इसको स्मॉल साइज में इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज वॉज आउट ऑफ स्टॉक, तो मैंने कर लिया था स्मॉल साइज, बट आई शुडंट हैव ऑर्डर दिस साइज. बट अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो प्लीज गो फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज अगर आप मेरे साइज के हो तो. आई जस्ट रियलाइज मैं एक आइटम के बारे में बात करने भूल गई. सो दिस वॉज फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर, और ये एक प्रिंटेड पर्पल एंड ब्लैक कलर का इसके ऊपर प्रिंट हो रखा था. दिस वॉज दी लाइक लीस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन माई हॉल वीडियो. सो ये काफ़ी सुंदर से पर्पल कलर में था एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. मैंने इसको लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में एंड आई पेड ₹168 फॉर दिस. सो यस, ऑल्सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो. आप लोग वीडियो लाइक ही नहीं करते हो, अगर आप वीडियो लाइक नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको मेरी वीडियोज रिकमेंड नहीं होगी वेन एवर आई अपलोड. सो दीज डेज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज माई फ्रिक्वेंसी. दीज डेज क्या, अब से मैंने सोचा है मैं अपनी फ्रिक्वेंसी
लाइक थोड़ी सी बढ़ाऊंगी, बट इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू फिल्म अ सिंगल वीडियो. एक वीडियो के पीछे मेरा मतलब एकदम हार्ट सोल स्वेट सब जाता है, क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स थोड़े से, मतलब थोड़े से क्या, बहुत ज़्यादा गंदे हैं ऑफिस वगैरह के. सो आई हार्डली गेट एनी टाइम इन द वीक डेज, और सैटरडे संडे को यही रहता है, यही करती हूँ मैं सैटरडे संडे वीडियो शूट वगैरह करना आप लोगों के लिए. एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई रियली एंजॉय ऑल दिस प्रोसेस. सो आई एम जस्ट सेइंग प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए. सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में. कमेंट कर देना अगला वीडियो आप लोगों को क्या देखना है. सो आई एम प्लानिंग टू डू ट्रेंडी समर हॉल इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि ट्रेंडी समर हॉल करना चाहिए मुझे. सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो तब तक के लिए बाय.